तुर्की भाईजान स्टूडियो प्रेजेंटिंग अ मोमेंट टू रिमेम्बर। इस कहानी को कोरियन फिल्म इंडस्ट्री की सबसे बेहतरीन लव स्टोरी माना जाता है और इस कहानी की शुरुआत में एक लड़की को दिखाया जाता है जो रेलवे स्टेशन पर बैठी हुई है। उसके हाथ में दो टिकट्स भी हैं, वो किसी का इंतजार कर रही है। इस लड़की का नाम सुजैन होता है और काफी देर इंतजार करने के बाद यहाँ पर कोई भी नहीं आता। दरअसल वो अपने बॉयफ्रेंड का इंतजार कर रही होती है जिसके साथ वो घर छोड़कर जाना चाहती है, लेकिन उसके ना आने पर उसे बहुत दुख होता है, उसकी आंखों में आंसू होते हैं। और इसके बाद वो एक डिपार्टमेंटल स्टोर में जाती है जहाँ से कोल्ड ड्रिंक खरीदती है। और जब वो डिपार्टमेंटल स्टोर से निकलकर रास्ते में जा रही होती है तो उसे याद आता है कि उसने पैसे तो दे दिए थे लेकिन उसने कोल्ड ड्रिंक नहीं ली, और वो वापस उसी स्टोर में जाती है। तभी अंदर स्टोर से एक लड़का बाहर निकल रहा होता है, उसके हाथ में वही कोल्ड ड्रिंक होती है जो अभी कुछ देर पहले उसने खरीदी थी। उसे काउंटर पर कोई भी नहीं दिखता, इसीलिए वो कोल्ड ड्रिंक उससे छीन कर उसी के सामने पी कर वहाँ से निकल जाती है। वो लड़का ये देखता रह जाता, उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि उसके साथ हुआ क्या। अब सुजैन बस में चढ़ती है और बस में चढ़ने के बाद जब वो टिकट खरीदने के लिए अपने बैग से अपना पर्स निकालने की कोशिश करती है तो वो देखती है कि उसके बैग में उसका पर्स होता ही नहीं है। और आखिरी बार उसने अपने पर्स को उसी स्टोर में निकाला था जहां से उसने कोल्ड ड्रिंक खरीदी थी। अब वो वापस उसी स्टोर में जाती है और जैसे वो काउंटर के पास जाती है तो वहां पर जो काउंटर पर आदमी होता है वो उसकी कोल्ड ड्रिंक और उसके पर्स को उसके सामने रख देता है। वो कहता है शायद आप इसे यहीं पर भूल गई। और सुजैन को समझ में आ जाता है कि जिस लड़के से उसने कोल्ड ड्रिंक छीनी थी दरअसल वो कोल्ड ड्रिंक उसी की थी। वो बाहर जाकर इधर उधर देखती हुई है लेकिन अब वो लड़का कहीं भी उसे नहीं देखता। सुजैन इसके बाद घर आ जाती है लेकिन उसकी फैमिली उसे कुछ भी नहीं कहती, बावजूद इसके कि वो एक लड़के के साथ घर छोड़कर जा रही थी जो लड़का उसी के साथ काम करता है। अब अगले दिन सुजैन अपने डैड के साथ गाड़ी में उनकी कंस्ट्रक्शन साइट पर जाती है। दरअसल उसके डैड एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के सीईओ हैं। और जब उसके डैड वहां पर जाते हैं सुजैन कहती है कि मैं गाड़ी में बैठूंगी क्योंकि यहाँ पर डस्ट बहुत ज्यादा होती है। उसके डैड ऊपर साइट पर जाते हैं और यहाँ पर एक लड़का इस पूरी कंस्ट्रक्शन साइट के सुपरवाइजर से आर्ग्यूमेंट्स कर रहा होता है, और ये वही लड़का होता है जिस लड़के से रात को सुजैन ने स्टोर में गलती से उसकी कोल्ड ड्रिंक छीन ली थी। इसका नाम चार्ल्स होता है और वो यहाँ पर फोरमैन है लेकिन वो आर्किटेक्चर की पढ़ाई भी कर रहा है, उसे एक आर्किटेक्ट बनना है। जब सुजैन के फादर वहाँ पर पहुँचते हैं तो सुपरवाइजर उन्हें बताता है कि ये हमें यहाँ पर कॉन्क्रीट नहीं डालने दे रहा, ये कहता है कि हमें आज नहीं बल्कि कल डालना चाहिए जबकि सारा मटीरियल तैयार है, और अगर हमने आज नहीं डाला तो हमें बहुत नुकसान होगा। चार्ल्स ने बताता है कि ब्लॉक इतना स्ट्रांग नहीं है कि इसके ऊपर कॉन्क्रीट डाला जाए, और अगर हमने ऐसा किया तो ये टूट सकता है जिससे कई लोगों की जान जा सकती है। सुजैन के डैड उससे पूछते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है। चार्ल्स उन्हें रूडली कहता है कि मैं 30 बार पहले भी तुम्हें अपना नाम बता चुका हूँ, और ये कहकर वो वहां से नीचे चला जाता है। नीचे गाड़ी में सुजैन बैठी होती है और वो चार्ल्स को देखती है और वो उसे पहचान लेती है कि ये वही लड़का है जिससे रात को उसने गलती से कोल्ड ड्रिंक छीन ली थी लेकिन वो उसके पास नहीं जाती। तभी सुजैन के डैड वहां पर आ जाते हैं, वो भी चार्ल्स के नेचर से बहुत परेशान होते हैं। वो कहते हैं कि लोगों के अंदर टेम्परमेंट की प्रॉब्लम है, और इसके बाद वो गाड़ी से वहां से निकल जाते हैं। सुजैन फैशन डिजाइनर है और जहां पर वो जॉब करती है वहां पर रेनोवेशन चल रही होती है लेकिन उनके रेनोवेशन का काम बहुत लेट होता है, और उसके साथ काम करने वाला जो आदमी होता है वो कहता है मैं फंस चुका हूँ। सुजैन कहती है कि शायद मैं तुम्हारी इसमें मदद कर सकती हूँ। वो अपने डैड को कॉल करती है और उसके डैड कहते हैं कि ठीक है मैं एक आदमी को भेज रहा हूँ लेकिन तुम उससे ज्यादा बात मत करना, वो बहुत बदतमीज है, उसका नेचर बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, अपने साथ वाले लोगों को ही उससे डील करने देना। सुजैन कहती है ठीक है, और तभी कुछ देर बाद वहां पर चार्ल्स आ जाता है। दरअसल सुजैन के डैड ने चार्ल्स को भेजा होता है क्योंकि उन्हें पता है कि उसे अपने काम की नॉलेज है। और जब चार्ल्स वहां पर पहुंचता है तो सुजैन अपने साथ काम करने वाले आदमी के साथ वहां पर खड़ी होती है। चार्ल्स उसे देखकर कुछ भी नहीं कहता, शायद उसने उसे पहचाना नहीं। इसके बाद चार्ल्स को दीवार दिखाई जाती है जो ठीक करनी, और चार्ल्स उस पर हथौड़े मारना शुरू कर देता है क्योंकि चार्ल्स को पता है कि यहाँ पर कैसे काम करना है। सुजैन वहां से चली जाती है और वो कोल्ड ड्रिंक की मशीन के अंदर सिक्का डालती है और कोल्ड ड्रिंक मशीन से बाहर निकलती है, लेकिन इससे पहले कि वो कोल्ड ड्रिंक सुजैन उठाती वहां पर चार्ल्स आ जाता है और वो उसकी कोल्ड ड्रिंक उठा लेता है और ठीक उसी अंदाज में पीता है जिस अंदाज में रात को सुजैन ने पी थी। चार्ल्स वहां से बिना कुछ कहे निकल जाता है और जब वो बाहर अपनी गाड़ी में बैठा होता है तो वो देखता है कि एक मोटरसाइकिल वाला सुजैन का बैग लेके भाग रहा है, और जैसे वो उसकी गाड़ी के पास से गुजरता है
चार्ल्स अपनी गाड़ी का दरवाजा खोल देता है जिससे वो मोटरसाइकिल वाला बहुत बुरी तरह से गिरता है और इस तरह से वो सुजैन का बैग उसे वापस लौटा देता है और साथ ही साथ वो सुजैन को लिफ्ट भी देता है। सुजैन उसे सॉरी कहती है। चार्ल्स पूछता है कि सॉरी किस लिए। सुजैन कहती है कि उस रात को मैं तुम्हारी कोल्ड ड्रिंक पी गई थी लेकिन मुझे हैरानी इस बात की है कि तुमने मुझे पहचान लिया। चार्ल्स इस बात का कोई जवाब नहीं देता और वो उसे घर छोड़ देता है। लेकिन सुजैन अब चार्ल्स से पूरी तरह से इम्प्रेस्ड हो चुकी है, वो उसे मिलना चाहती है और अगले दिन वो अपने ऑफिस में जाती है। लेकिन आज चार्ल्स वहां नहीं आया होता क्योंकि उसका काम खत्म हो चुका होता है, इसीलिए वो कंस्ट्रक्शन साइट पर जाती है। उसके साथ कुछ लड़कियां भी होती है और वो जानबूझकर वहां से निकलती है जहां पर चार्ल्स अपने दोस्तों के साथ बैठकर ड्रिंक पी रहा होता है। चार्ल्स उसे नहीं देखता क्योंकि वो अपने में बिजी होता है। सुजैन को मजबूरी में उसके सामने जाना पड़ता है। वो कहती है कि मैं यहाँ से गुजर रही थी, मैंने तुम्हें देखा तो मैं यहाँ पर रुक गई। और अब सुजैन और उसकी जितनी भी दोस्त होती है वो सब के सब चार्ल्स के ग्रुप के साथ बैठ जाते हैं। चार्ल्स और सुजैन बहुत देर तक एक साथ बैठे रहते हैं। चार्ल्स सुजैन को एक ड्रिंक देता है जो पूरा भरा हुआ होता है और वो कहता है कि अगर तुमने इसे पी लिया तो हम जिंदगी भर एक साथ रहेंगे। सुजैन पूछती है कि अगर मैंने इसे नहीं पिया तो क्या होगा। चार्ल्स कहता है कि अगर तुमने इसे नहीं पिया तो मरते दम तक हम एक दूसरे को जान ही नहीं पाएंगे, हम एक दूसरे के लिए हमेशा अजनबी रहेंगे। सुजैन उस ड्रिंक को पी लेती है और इसके बाद ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और यहाँ से इन दोनों की प्रेम कहानी शुरू हो जाती है। एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा वक्त बिताते हैं और चार्ल्स भी अब सुजैन से बहुत प्यार करता है। वो उसे बेसबॉल खेलना सिखाता है, उसे ताश की ट्रिक्स भी सिखाता है और जितना भी वक्त उसके पास होता है वो सारा वक्त सुजैन के साथ बिताता है। वो सुजैन से बहुत प्यार करता है, उसके बिना नहीं रह सकता और सुजैन भी चार्ल्स के लिए कुछ ऐसा ही फील करती है। सुजैन एक फैशन डिजाइनर है इसीलिए वो चार्ल्स के लिए एक बहुत खूबसूरत सूट बनाती है क्योंकि उसका इंटरव्यू होता है और वो उस सूट को पहन के इंटरव्यू देने के लिए जाता है। सुजैन भी उसे कंपनी के बाहर तक छोड़ने के लिए आती है। चार्ल्स कहता है कि तुम घर चले जाओ, मेरा वेट मत करना और चार्ल्स ये कहकर इंटरव्यू देने के लिए चला जाता है। और जब चार्ल्स वापस आता है तो सुजैन वहीं पर उसका इंतजार कर रही होती है। अब अगले दिन सुजैन अपने घर के बाहर गार्डन में अपने डैड के साथ बैठी होती है। सुजैन कॉफी पी रही होती है और अपने ख्यालों में मुस्कुरा रही होती है। उसके डैड समझ जाते हैं कि इसकी जिंदगी में कोई ना कोई लड़का है और वो सुजैन से पूछते हैं कि कौन है वो। सुजैन मना कर देती है लेकिन उसके डैड के दोबारा पूछने पर वो बताती है कि वो एक आर्किटेक्ट है। सुजैन के डैड कहते हैं कि मैं उससे मिलना चाहता हूँ। सुजैन चार्ल्स के पास जाती है और वो कहती है कि मेरे डैड तुमसे मिलना चाहते हैं लेकिन चार्ल्स साफ साफ मना कर देता है क्योंकि इन दोनों में बहुत डिफरेंस है। सुजैन के डैड एक कंपनी के सीईओ हैं और वो वहां पर एक वर्कर है। चार्ल्स सुजैन को कहता है कि तुम एक प्रिंसेस हो और मैं एक सड़क का भिखारी हूँ, हम दोनों का मेल कभी भी नहीं हो सकता, मैं तुमसे प्यार बहुत करता हूँ लेकिन हमारी शादी को कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। सुजैन उसे बहुत मनाने की कोशिश करती है लेकिन चार्ल्स एक प्रैक्टिकल लड़का है, वो उसकी बात नहीं मानना चाहता। और जब एक दिन सुजैन और चार्ल्स एक रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं तभी वहां पर सुजैन की फैमिली आ जाती है। सुजैन अपने डैड को देखकर हैरान हो जाती है, कहती डैड। उसके डैड कहते हैं कि तुम हैरान क्यों, तुमने तो हमें इनवाइट किया है। दरअसल सुजैन ने चार्ल्स को बिना बताए ही अपने फैमिली को यहाँ पर बुला लिया था क्योंकि वो चार्ल्स से शादी करना चाहती है, इसीलिए वो चाहती है कि उसकी फैमिली चार्ल्स से मिले। सुजैन की डैड चार्ल्स को देखकर पहचान जाते हैं। चार्ल्स सुजैन की फैमिली के सामने बैठा होता है और इनके बीच में कोई बात नहीं हो रही होती। यहाँ पर एक लंबी खामोशी होती है और तभी सुजैन को अनीजी लगता है। वो कहती है मैं वॉशरूम जा रही हूँ। सुजैन वहां से वॉशरूम चली जाती है। दरअसल उसकी तबीयत थोड़ी खराब हो रही होती है। वहां सुजैन के डैड चार्ल्स से पूछते हैं कि तुम्हारी फैमिली में कौन कौन है। वो कहता है कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। उसके डैड पूछते हैं क्या तुम्हारे पास तुम्हारा घर है। वो कहता है नहीं मेरे पास कोई घर नहीं है। चार्ल्स जानता है कि सुजैन की फैमिली उसे कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगी। वो कहता है शायद मुझे यहाँ से जाना चाहिए। और जब वहां से जाने लगता है तो सुजैन की मॉम उसे रोक लेती है। वो कहती है पहले सुजैन को आने दो। चार्ल्स वहां पर बैठ जाता है। सुजैन के डैड उसे कहते कि मैं तुम्हें नौकरी से निकालता हूं। लेकिन चार्ल्स को नौकरी की कोई परवाह नहीं है। फिर भी वो सुजैन के डैड से बोलता है कि मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से आप लोगों को तकलीफ हुई, मैं अब सुजैन से कभी नहीं मिलूंगा। वहीं दूसरी तरफ ये दिखाया जाता है कि सुजैन की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है
और उसे पता ही नहीं चलता और वो बाहर निकल जाती है। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही होती है और अगले पल ही दिखाया जाता है कि वहाँ पर बहुत भीड़ लग जाती है। दरअसल सुजैन बेहोश हो चुकी होती है और सब लोगों को उस तरफ जाते देख सुजैन की बहन भी उस तरफ जाती है और अगले पल सुजैन की बहन की चीख की आवाज सुनाई देती है। चार्ल्स भागता हुआ उस तरफ जाता और वो देखता है कि सुजैन बेहोश है। लेकिन इससे पहले कि सुजैन के डैड कुछ कर पाते, चार्ल्स सुजैन को उठाकर सीधा हॉस्पिटल ले आता है। हॉस्पिटल में डॉक्टर बताता है कि ज्यादा स्ट्रेस के कारण इनको ऐसा हुआ, ये बेहोश हो गई। अगर ये रात को अच्छे से सोएंगी तो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। और जब सुजैन को होश आता है तो वो देखती है कि उसके सामने चार्ल्स है। चार्ल्स को अपने गले लगा लेती है और सुजैन के डैड दूर से सब कुछ देख रहे होते हैं। वो समझ जाते हैं कि ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। और इसके बाद इन दोनों की जिंदगी में वो दिन आता है जिस दिन का हर एक इंसान को इंतजार होता है। इन दोनों की आज शादी है और चार्ल्स और सुजैन दोनों ही बहुत खुश हैं। शादी के बाद चार्ल्स को उसकी आर्किटेक्ट की डिग्री भी मिल जाती है और अब वो एक आर्किटेक्ट है और चार्ल्स अपने काम में बहुत ही अच्छा होता है। वहीं घर पर ये दिखाया जाता है कि सुजैन कभी कभी चीजों को गैस पर छोड़कर भूल जाती है, लेकिन चार्ल्स कभी भी इस बात को माइंड नहीं करता, वो उसे बहुत प्यार करता है। और कंस्ट्रक्शन साइट पर जब एक बार चार्ल्स काम कर रहा होता है तो वहां पर सुजैन के डैड एक आदमी को लेकर आते हैं। दरअसल ये आदमी चार्ल्स से काफी वक्त से मिलना चाहता था और वो चार्ल्स को पहले से जानता भी है। वो चार्ल्स को एक जगह ले जाता है जो बहुत ही खूबसूरत जगह होती है और वो चार्ल्स से कहता है कि मैं यहाँ पर एक घर बनवाना चाहता हूँ और तुम इसका मॉडल तैयार करो। चार्ल्स उस जगह के लिए घर का मॉडल तैयार करता है जो कि बहुत ही खूबसूरत होता है, लेकिन अब उसे इसकी प्रेजेंटेशन देनी होगी तभी उसे ये कॉन्ट्रैक्ट मिल पाएगा। और प्रेजेंटेशन से पहले सुजैन उससे कुछ सवाल पूछती है। वो कहती है तुम्हें इसकी इंस्पिरेशन कहाँ से मिली। चार्ल्स कहता है कि मुझे इसकी इंस्पिरेशन मेरी वाइफ से और उसकी फैमिली से मिली। दरअसल चार्ल्स को अब सुजैन की फैमिली ने पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लिया है और सुजैन के डैड भी चार्ल्स को बहुत पसंद करते हैं। और चार्ल्स जब प्रेजेंटेशन देता है तो वो उन्हें उस खूबसूरत घर को डिस्क्राइब करता है और साथ ही वो उन्हें लकड़ी की एक बहुत अच्छी नक्काशी वाली शीट भी दिखाता है और वो कहता है कि हम दीवारों की जगह इनको लगा सकते हैं। और उसकी प्रेजेंटेशन सबको बहुत पसंद आती है, वो घर सबको बहुत पसंद आता है और ये कॉन्ट्रैक्ट चार्ल्स को मिल जाता है। इससे सुजैन को बहुत खुशी होती है। सुजैन और चार्ल्स की जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है और एक दिन सुजैन अपने साथ काम करने वाली लड़कियों से पूछती है क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है कि तुम अपना घर का रास्ता भूल गई हो। इस बात पर वो सब हंसते हैं, वो कहते हैं कि हमारे साथ ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ, शायद शादी के बाद तुम रात को अच्छे से सो नहीं पाती इसीलिए तुम्हारे साथ ऐसा हुआ होगा। लेकिन सुजैन सीरियस होती है और आज दोबारा जब वो घर जाती है तो वो घर के बाहर आकर कंफ्यूज हो जाती है। वो चाबी लगाने से पहले डरती है, उसे डाउट होता है कि वो सही जगह आई है कि नहीं। लेकिन जब वो घर के अंदर जाती है तो वहां पर चार्ल्स होता है और उसे विश्वास हो जाता है कि वो सही घर के अंदर आई है। दरअसल सुजैन की याददाश्त में कुछ प्रॉब्लम हो रही है इसीलिए वो एक डॉक्टर के पास जाती है। ये दिमाग का डॉक्टर है, वो उसे बोलता है कि हाल ही में तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है कि तुम अचानक से बेहोश हो गई हो। सुजैन कहती है कि हाँ मुझे स्ट्रेस से ऐसा हुआ था और डॉक्टर ने मुझे ये कहा था कि अगर मैं अच्छे से सो जाऊंगी तो मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी और उसके बाद मैं बिल्कुल ठीक हो गई। डॉक्टर उसे कहता है कि तुम अगले हफ्ते दोबारा आना, मैं तुम्हारा MRI और CT स्कैन करूंगा। सुजैन वहां से चली जाती है लेकिन इस बारे में वो चार्ल्स को कुछ भी नहीं बताती। चार्ल्स को जो प्रोजेक्ट मिला होता है वो उसमें बहुत बिजी होता है और वो सुजैन के साथ अपनी जिंदगी के सबसे बेहतरीन दिन जी रहा होता है, उसे सब कुछ अच्छा लगता है। और वो एक दिन सुजैन को एक बूढ़े आदमी से मिलवाने के लिए भी ले जाता है जिसने उसे बचपन से पाला था और जिसने उसे कारपेंटर का काम भी सिखाया। और वो बूढ़ा आदमी सुजैन को बातों ही बातों में ये बता देता है कि चार्ल्स की मॉम अभी भी जिंदा है लेकिन वो उनसे नाराज है। उस वक्त चार्ल्स वहाँ पर नहीं होता और घर आने के बाद सुजैन चार्ल्स से कहती कि तुमने मुझे अपनी मॉम के बारे में कभी नहीं बताया। इस बात से चार्ल्स को बहुत गुस्सा आता है, वो कहता है कि वो मेरी मॉम नहीं है, उन्होंने मुझे बचपन में छोड़ दिया था उस बूढ़े आदमी के पास जिसने मुझे कारपेंटर का काम सिखाया, जिसके बाद उन्होंने कभी मेरे बारे में कुछ नहीं पूछा और आज वो मेरे पास वापस आना चाहती है क्योंकि मेरे पास पैसे हैं। मैं आज एक कामयाब इंसान बन चुका हूँ और मैं उन्हें कभी माफ नहीं कर सकता। मैंने अपनी जिंदगी में जितना रोना था मैं रो चुका हूँ और अब वो मेरे लिए इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती। सुजैन चार्ल्स को समझाने की कोशिश करती है कि हमें लोगों को माफ करना आना चाहिए। उस वक्त जब मैं अपना घर छोड़कर चली गई थी मेरे डैड ने मुझे माफ किया था और ना चाहते हुए भी उन्होंने हमारी शादी को मंजूरी दी क्योंकि वो जानते हैं माफी दिल में नफरत की जगह को कम करता है और दिल में प्यार पैदा करता है।
और इसके बाद चार्ल्स भी उसकी बात समझ जाता है और वो अपनी मॉम से मिलने के लिए जाता है। उसकी मॉम जेल में होती है और उसकी मॉम के चेहरे पर काफी चोटों के निशान भी होते हैं क्योंकि उसकी मॉम ने किसी के पैसे देने थे जिस वजह से उन्हें जेल में बंद कर दिया गया है। चार्ल्स की मॉम चार्ल्स को कहती है कि जब तुम पैदा हुए उस वक्त मैं 17 साल की थी, तुम्हारे डैड मुझे छोड़कर चले गए थे। मैं चाहती तो अबॉर्शन करवा सकती थी लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, मैं तुम्हें इस दुनिया में लेकर आई और वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी। दरअसल चार्ल्स की मॉम चार्ल्स से अब पूरी तरह से नाराज हो चुकी है क्योंकि वो उससे मदद मांगने के लिए आई भी थी लेकिन चार्ल्स भी उनसे नाराज था क्योंकि उन्होंने उसे छोड़ दिया था। लेकिन चार्ल्स अब उनकी मदद करना चाहता है, इसीलिए वो उस आदमी के जिसके चार्ल्स की मॉम ने पैसे देने, वो सारे पैसे लौटा देता है और इस बात से सुजैन को बहुत खुशी होती है। अब सुजैन डॉक्टर के पास जाती है, हालांकि डॉक्टर ने उसे 1 हफ्ते बाद आने के लिए कहा था लेकिन सुजैन 2 हफ्ते बाद जाती है। डॉक्टर सुजैन से कुछ आसान से सवाल पूछता है जैसे तुम्हारी सिस्टर की डेट ऑफ बर्थ क्या है, उसकी उम्र क्या है और जब हम सिग्नल पे रुके होते हैं तो कौन सी लाइट जलने पर हमें सिग्नल क्रॉस करना चाहिए। लेकिन सुजैन एक भी सवाल का जवाब नहीं दे पाती। डॉक्टर उसके सारे टेस्ट करके उसे भेज देता है और जब सुजैन ऑफिस जाती है तो उसे पता चलता है कि उसका वो पुराना एम्प्लॉय जिसके साथ उसका अफेयर था और जिसके साथ वो घर छोड़कर जाने वाली थी वो वापस आ चुका है। दरअसल ये शादीशुदा था और अब वो सुजैन को बताता है कि मैंने अपनी वाइफ को डाइवोर्स दे दिया है और वो उसे जस्टिफाई करने की भी कोशिश करता है कि उस दिन वो रेलवे स्टेशन पर क्यों नहीं आ पाया। लेकिन सुजैन उसकी बात नहीं सुनना चाहती, वो कहती है कि अब मेरी जिंदगी बदल चुकी है और वो बिना सुने वहां से चली जाती है क्योंकि सुजैन की जिंदगी में अब चार्ल्स ही सब कुछ है, वही उसकी दुनिया है, वो उसे बहुत प्यार करती है। सुजैन घर वापस आ जाती है और वो चार्ल्स के पास बैठकर एक फोटो पर ग्लू लगा रही होती है क्योंकि वो उसे एल्बम में लगाना चाहती है। तभी वहां से उठती और फ्रिज खोलती है लेकिन वो फ्रिज से कुछ भी नहीं निकालती, ऐसा लगता है कि वो कुछ ढूंढ रही है लेकिन उसे याद नहीं है कि वो क्या ढूंढ रही है। इसके बाद वो घर का दरवाजा खोलती है और जब वो पलटती है तो चार्ल्स उसी जगह पर बैठा होता है जहां पर पहले बैठा था और सुजैन उससे पूछती है कि तुम कहां थे। चार्ल्स कहता है मैं तो यहीं बैठा था और इसके बाद सुजैन भी वहां पर बैठ जाती है और वो देखती है कि फोटो पर ग्लू लगा हुआ है। वो चार्ल्स से कहती है वाह तुमने इस पर ग्लू लगा दिया। चार्ल्स कहता है नहीं अभी तुमने खुद ही लगाया। चार्ल्स उससे ये भी पूछता है कि डॉक्टर ने क्या कहा। दरअसल चार्ल्स को पता था कि आज वो डॉक्टर के पास गई है। वो उसे बताती है कि डॉक्टर ने मुझे अगले हफ्ते आने के लिए कहा है और अगले हफ्ते जब वो डॉक्टर के पास जाती है तो डॉक्टर उसे बताता है कि तुम्हें अल्जाइमर की बीमारी है। सुजैन को कुछ समझ नहीं आता, वो कहती है इस बीमारी में क्या होता है। डॉक्टर उसे बताता है कि शरीर की मौत से पहले तुम्हारा दिमाग मर जाता है, अगर तुम जॉब करती हो तो जल्द से जल्द अपनी जॉब छोड़ दो क्योंकि बहुत जल्द ऐसा वक्त आएगा जब तुम किसी के भी सवाल का जवाब नहीं दे पाओगी, तुम अपनी फैमिली को, अपने दोस्तों को और यहाँ तक कि अपने आप को भी भूल जाओगी, तुम्हें ये भी पता नहीं होगा कि किस काम को कैसे किया जा सकता है। सुजैन कहती है मैं सिर्फ 27 साल की हूँ, क्या इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। डॉक्टर कहता है कि दवाइयों से हम इस बीमारी की रफ्तार को धीमा कर सकते हैं लेकिन इस बीमारी को खत्म नहीं किया जा सकता। इस बात से सुजैन पूरी तरह से टूट जाती है, उसकी आंखों में आंसू होते हैं लेकिन वो अपनी बीमारी के बारे में चार्ल्स को नहीं बताती। वो उसे कहती है कि मैं जॉब छोड़ना चाहती हूँ। चार्ल्स कहता है अचानक से क्यों। वो कहती है कि मैं घर पर रहना चाहती हूँ। इस बात से चार्ल्स खुश हो जाता है क्योंकि वो भी नहीं चाहता कि सुजैन जॉब करे। सुजैन जॉब छोड़ देती है और धीरे धीरे उसकी बीमारी बढ़ना शुरू हो जाती है। चार्ल्स जब अपने कोलिग्स के साथ बैठा होता है और अपना लंच बॉक्स खोलता है तो उसमें राइस होती है और जब वो दूसरा टिफिन खोलता है तो उसमें भी राइस होती है। इस बात से सब हंसते हैं, सबको लगता है कि ये एक मजाक है और चार्ल्स भी हैरान होता है। दरअसल सुजैन को ये याद ही नहीं रहता कि पहले टिफिन में उसने राइस रखे थे, इसीलिए वो दूसरे में भी राइस रख देती है। पर चार्ल्स को अब शक होना शुरू हो जाता है और वो उस डॉक्टर के पास जाता है जिसके पास सुजैन ने अपना चेकअप करवाया था। वो डॉक्टर उसे बताता है कि तुम्हारी पत्नी को अल्जाइमर है और वो बहुत जल्द तुम्हें, अपने परिवार को और यहाँ तक कि अपने आप को भी भूलने वाली है। इस बात से चार्ल्स को बहुत गुस्सा आता है, वो कहता है तुमने किसी और की रिपोर्ट देखी होगी, मेरी पत्नी को ऐसी बीमारी नहीं हो सकती, और वो डॉक्टर का कॉलर पकड़ लेता है। लेकिन तभी वहां पर दूसरा स्टाफ आता है और वो चार्ल्स को बताते हैं कि डॉक्टर की पत्नी को भी यही बीमारी थी और उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अल्जाइमर के मरीजों का इलाज किया है। डॉक्टर उसे बताता है कि जिस तरह का अल्जाइमर तुम्हारी पत्नी को है ये बहुत रेयर होता है
और ठीक इसी तरह का अल्जाइमर मेरी पत्नी को भी था। और जब वो मुझे पूरी तरह से भूल चुकी थी तो एक दिन मैं उसे उस जगह ले गया जहाँ पर हम पहली बार मिले थे और उसे सब कुछ याद आ गया। लेकिन ठीक 3 घंटे बाद उसने मुझसे पूछा, हू आर यू, तुम कौन हो? उस वक्त मेरी आंखों में आंसू थे और वो मुझसे पूछ रही थी कि तुम रो क्यों रहे हो। वहीं दूसरी तरफ ये दिखाया जाता है कि सुजैन घर से बाहर होती है और तभी उसकी तबीयत खराब हो जाती है। एक पुलिस वाला उसके पास आता है, वो उससे पूछता है कि आपको कहाँ जाना है, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं होता। और वो पुलिस वाला जब उसे लेकर जा रहा होता है तभी सामने से उसके ऑफिस का वही कॉलीग आता है जिसके साथ उसका पहले अफेयर था। सुजैन उसे पहचान लेती है और वो उसके साथ एक पार्क में जाती है और वो सुजैन को कहता है कि मैं चाहता हूँ कि हमारे रिश्ते पहले जैसे हो जाएं जैसे आज से 2 साल पहले थे। सुजैन कहती है, 2 साल पहले? 2 साल पहले तो हम मिले भी नहीं थे। दरअसल सुजैन चार्ल्स के साथ बिताए हुए पूरे 2 साल भूल चुकी थी, इसीलिए उसे ऐसा लगता है कि अब भी ये दोनों गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड है। लेकिन तभी सुजैन को याद आ जाता है कि चार्ल्स उसका हस्बैंड है और ये आदमी अब उसकी जिंदगी में कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं रखता। वो जल्दी से वहाँ से उठती है और टैक्सी पकड़कर वहाँ से निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ चार्ल्स सुजैन के लिए परेशान होता है और जब वो उसे कॉल करता है तो उसका कॉल कोई और रिसीव करता है और वो आदमी बताता है कि ये मोबाइल हमें सड़क पर पड़ा हुआ मिला। चार्ल्स घर आता है और वहाँ पर सुजैन बेसबॉल खेल रही होती है। वो चार्ल्स से कहती है, मशीन से आज 10 की जगह 9 बॉल निकली, यानी कि वो फिर भूल चुकी है। और वो जानती है कि चार्ल्स को अब सब कुछ पता है। वो चार्ल्स से कहती है कि मैं बहुत जल्दी सब कुछ भूल जाऊंगी, हमारे रास्ते अब अलग है, तुम्हें मेरे लिए अपनी जिंदगी बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। चार्ल्स कहता है, भले तुम सब कुछ भूल जाओ लेकिन मैं सब कुछ याद रखूंगा। सुजैन की आंखों में आंसू होते हैं, वो कहती है, मैं सब कुछ भूलने वाली हूँ और एक बार मैं सब कुछ भूल गई तो हमारा प्यार भी खत्म हो जाएगा। चार्ल्स भी बहुत रोता है क्योंकि वो जानता है कि सुजैन कहीं ना कहीं सच कह रही है। और वो सुजैन से कहता है कि मैं कुछ भी नहीं भूलने दूंगा, हम हर रोज एक नए दिन की शुरुआत करेंगे, हम हर रोज डेट पर जाएंगे। लेकिन ये बात कहना बहुत आसान है, प्रैक्टिकली ये बात इतनी आसान नहीं होगी। सुजैन कहती है कि मैं अपनी याददाश्त खोने के साथ साथ अपनी आत्मा को भी खो दूंगी। चार्ल्स कहता है कि ऐसा कभी मत कहना, मैं तुम्हारी याददाश्त बनूंगा, मैं तुम्हारा दिल बनूंगा और तुम्हें मुझसे कोई भी अलग नहीं कर सकता। ये दोनों ही जानते हैं कि इनकी जिंदगी से अब खुशियां छीनने वाली है। वो प्यार जिसने इनकी इस छोटी सी दुनिया को बनाया है, वो प्यार अब इनसे अलग होने वाला है। लेकिन ये दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, ये दोनों हार नहीं मानना चाहते। चार्ल्स घर पर हर जगह नोट्स लगा देता है ताकि सुजैन कुछ भी ना भूले। और जब वो ऑफिस जा रहा होता है तो वो चार्ल्स को कहते हैं कि आज जल्दी घर वापस आना, आज तुम्हारी मॉम का बर्थडे है और मैंने अपने पेरेंट्स को भी बुला लिया है। चार्ल्स वहां से चला जाता है, लेकिन चार्ल्स के आने से पहले यहाँ पर सुजैन का वही कॉलीग आता है जिससे उसका कभी अफेयर था। और सुजैन को लगता है कि ये चार्ल्स है, वो उसे अंदर लेकर आती है। वो कहते हैं कि मुझे यहाँ पर नहीं रुकना चाहिए, हमें कहीं और जाकर बात करनी चाहिए। और वो सुजैन को समझाने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन सुजैन को लगता है कि यही मेरा हस्बैंड है और वो उसके गालों पर हाथ लगाकर कहता है कि तुम्हें क्या हो गया। और तभी वहां पर चार्ल्स आ जाता है और चार्ल्स से देख लेता है। सुजैन चार्ल्स को देखकर उस आदमी के पीछे छुप जाती है, वो कहती है कि ये कौन है। दरअसल वो चार्ल्स को पहचान नहीं पाती और चार्ल्स इस आदमी को यहाँ पर बहुत बुरी तरह मारता है। और जब चार्ल्स उसे मार रहा होता है तो सुजैन को ऐसा दिखता है कि वो आदमी चार्ल्स को मार रहा है। और तभी यहाँ पर सुजैन की फैमिली आ जाती है और सुजैन का इस लड़ाई के दिमाग पर इतना गहरा असर पड़ता है कि वो बेहोश हो जाती है। सुजैन को हॉस्पिटल ले जाया जाता है और अब चार्ल्स सुजैन की फैमिली को उसकी अल्जाइमर बीमारी के बारे में बता देता है। सुजैन के डैड चार्ल्स को कहते हैं कि तुम्हें अब सुजैन की चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम उसे संभाल नहीं पाओगे, इसीलिए वो अब हमारे साथ रहेगी। लेकिन चार्ल्स कहता है कि वो मेरी पत्नी है और मैं उसे छोड़ नहीं सकता। तभी वहाँ पर सुजैन आ जाती है और सबको एक साथ बैठा हुआ देखकर वो पूछती कि यहाँ पर क्या चल रहा है। और ये कहते कहते वो टॉयलेट कर देती है क्योंकि उसे अब अपनी बॉडी पर भी कंट्रोल नहीं रहा। चार्ल्स उसे अंदर कमरे में ले जाता, अपनी शर्ट उतारता है और उसके पैरों को अच्छे से साफ करता है। इसके बाद चार्ल्स सुजैन को घर ले आता है और उसके लिए वो लकड़ी के उस घर का मॉडल बनाता है जिस घर का सपना उन दोनों ने देखा था, जिस घर का उसने वादा किया था कि वो सुजैन के लिए एक दिन ऐसा घर बनाएगा। सुजैन उस मॉडल को देखकर खुश होती है। सुजैन उसको दिन में कई बार आई लव यू कहती है लेकिन अब वो उसे उसके नाम से नहीं बल्कि अपने एक्स बॉयफ्रेंड के नाम से बुलाती है क्योंकि उसकी रिसेंट याददाश्त धीरे धीरे खोती जा रही है। उसे अपनी पुरानी बातें अब भी याद है और इस बात से चार्ल्स को बहुत दुख होता है।
और चार्ल्स जब घर पर नहीं होता, वो काम पर गया होता है, तो सुजैन को एहसास होता है कि उसकी वजह से चार्ल्स की जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो रही है। और वो उसके लिए एक लेटर लिखती है। वो कहती है कि मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकती, भले मैं तुम्हें पूरी तरह से भूल जाऊं, लेकिन फिर भी तुम हमेशा मेरी जिंदगी का एक हिस्सा रहोगे। मैं तुम्हें कभी भी भूलना नहीं चाहती, लेकिन मैं अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर सकती। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मुझे माफ कर देना। और ये लेटर लिखने के बाद वो घर छोड़कर चली जाती है। और जब चार्ल्स को ये लेटर मिलता है तो पूरी तरह से टूट जाता है। वो बहुत रोता है, लेकिन उसे नहीं पता कि अब सुजैन कहाँ पर है। और साथ ही साथ सुजैन ने डाइवोर्स पेपर पर साइन करके अपने डैड को दे दिया था। और जब सुजैन के डैड वो पेपर चार्ल्स के पास लेकर आते हैं, तो वो उस पेपर को फाड़ देता है और वो कहता है कि सुजैन को मुझसे कोई भी अलग नहीं कर सकता। लेकिन चार्ल्स अब पूरी तरह से टूट चुका है, उसका कहीं भी मन नहीं लगता, वो हमेशा खोया खोया रहता है और वो किसी भी हालत में सुजैन को पाना चाहता है। वो पुलिस स्टेशन में जाकर उसकी मिसिंग की रिपोर्ट भी लिखवाता है। और एक दिन जब वो लेटर बॉक्स चेक करता है तो उसमें बहुत सारे लेटर्स होते हैं और इसमें एक लेटर सुजैन का भी होता है और उसमें लिखा होता है कि आज मुझे तुम्हारी याद आ गई, इसीलिए मैं तुम्हें लेटर लिख रही हूँ, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ और तुम एक बहुत अच्छे हस्बैंड थे। और साथ ही साथ उसने आसपास की जगह का डिस्क्रिप्शन भी लिखा होता है, जिसमें उसने कई पहाड़ों के बारे में लिखा होता है। और उस डिस्क्रिप्शन के हिसाब से चार्ल्स सुजैन को ढूंढना शुरू कर देता है। वो उसे बहुत ढूंढता है और फाइनली वो उसे एक हॉस्पिटल में मिल जाती है। वहाँ पर नर्स उसे बताती है कि कभी कभी वो अपने कपड़े ठीक से भी नहीं पहन पाती। वहाँ पर एक फोटो भी होती है जो सुजैन की और चार्ल्स की होती है। उसे बताया जाता है कि उसने सारी फोटोज फाड़ दी सिवाय इस एक फोटो की। और जब चार्ल्स बालकनी में जाता है तो वो देखता है कि वहां पर सुजैन बैठी होती है। सुजैन भी उसको देखती है और उसके हाथ से उसकी स्केच की बुक गिर जाती है। चार्ल्स उस बुक को उठाता और खोल कर देखता है तो उसमें सुजैन ने कई सारे स्केच बनाने की कोशिश की होती है। दरअसल वो चार्ल्स का चेहरा बनाने की कोशिश कर रही होती है जो उसे अच्छे से याद नहीं आता। चार्ल्स सुजैन को कहते हैं कि तुमसे मिलकर अच्छा लगा। वो कहते हैं क्या मैं तुम्हें जानती हूँ। और इसके बाद चार्ल्स सुजैन और नर्स कैफेटेरिया में बैठे होते हैं और चार्ल्स ने जानबूझकर वही परफ्यूम लगाया होता है जो सुजैन के अंकल उसके डैड लगाते थे ताकि उसे कुछ याद आ सके। और सुजैन को याद आता भी है। वो कहती है खुशबू मेरे अंकल से आती थी और किसी और से भी आती है, लेकिन वो चार्ल्स को याद नहीं कर पाती। चार्ल्स ब्लैक ग्लासेस पहन लेता है ताकि सुजैन उसके आंसुओं को ना देख पाए। वो अंदर ही अंदर रो रहा होता है लेकिन सुजैन के सामने वो नहीं रो सकता। चार्ल्स नर्स से पूछता है कि मैं सुजैन को घुमाने के लिए ले जा सकता हूँ। वो कहते हैं कि हाँ। और चार्ल्स कहते हैं कि आप उसे एक जगह ले आना जिस जगह मैं कहूँगा। और अगले पल ये दिखाया जाता है कि नर्स सुजैन को लेकर उस स्टोर के बाहर पहुंच जाती है जहां पर चार्ल्स और सुजैन पहली बार मिले थे, जहां पर सुजैन ने चार्ल्स से कोल्ड ड्रिंक छीन कर पी ली थी। और जैसे ही वो स्टोर के दरवाजे पर जाती है, चार्ल्स वहां पर आ जाता है और उसके हाथ में कोल्ड ड्रिंक होती है। और जब सुजैन अंदर जाती है तो वो देखती है कि वहां पर उसकी फैमिली और वो सब लोग होते हैं जिन्हें वो जानती है। और वो चार्ल्स के पास जाती है और कहती है क्या ये स्वर्ग है। दरअसल उसे सब कुछ याद आ गया होता है, ठीक उसी तरह जिस तरह डॉक्टर की पत्नी को याद आ गया था जो बात डॉक्टर ने उसे बताई थी। और अगले पल ये दिखाया जाता है कि चार्ल्स और सुजैन गाड़ी में एक लंबी ड्राइव पर जाते हैं और वहां पर चार्ल्स उसे पहली बार आई लव यू कहता है। दरअसल वो उससे प्यार तो बहुत करता था, लेकिन चार्ल्स ने कभी भी सुजैन को आई लव यू नहीं कहा था। और सुजैन भी उसके गले लग जाती है, लेकिन ये नहीं पता कि सुजैन की याददाश्त कब तक उसके साथ रहेगी, क्योंकि डॉक्टर की पत्नी जिसे वही बीमारी थी जो सुजैन को है, उसकी याददाश्त सिर्फ 3 घंटे के लिए वापस आई थी। और ये कहा नहीं जा सकता कि सुजैन की याददाश्त उसके साथ कितने घंटों तक रहेगी। लेकिन एक बात तो तय है कि चार्ल्स अब सुजैन को कभी नहीं छोड़ेगा। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। ये फिल्म सन 2004 में रिलीज हुई थी और कहा जाता है कि कोरियन इंडस्ट्री में आज तक जितनी भी लव स्टोरीज बनी हैं, ये उनमें से सबसे बेहतर कहानी है। इस फिल्म की IMDB पर रेटिंग है 8.2। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।